राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण था। दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल भोला क्लासेज में। दोस्तों आज हम क्लास टेंथ के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हिस्ट्री से लेकर आए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा साबित होगा। तो पहला प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किए थे। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किए थे? तो ये कार्य था दांडी यात्रा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसे ए ओ हायम को मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आर्स एक्ट किसने लागू किए थे? तो ये किए थे 6 का राइट ऑप्शन सी, जो लिंटन ने किए थे, आर्स एक्ट नियम लागू किए थे। अगला प्रश्न है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए, हरित क्रांतिकारियों को गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो क्रांतिकारी गतिविधियों को अंकुश लगाने के लिए किया गया था, जो ऑप्शन नंबर ए है। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, खान अब्दुल गफर खान को, जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पुन्ना समझौता किन के माध्यम संपन्न हुआ? तो 10th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो गांधी और जिन्ना के बीच मध्य संपन्न हुआ था पुन्ना समझौता, ऑप्शन नंबर ए हो जाए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? तो ये किया गया था गठन हंटर समिति को, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतीय की अंग्रेजी समाजवाद के विरुद्ध असंतोष, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना क्यों की? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम स्थापना इसलिए किए थे कि नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रप्पा विद्रोह कब हुआ था? तो रप्पा विद्रोह कब हुआ था? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो 1916 ईस्वी में रप्पा विद्रोह हुआ था, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिए थे? तो ये लिए थे लॉर्ड हार्डिंग, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 17 का राइट आंसर 1929 ईस्वी में, जो ऑप्शन नंबर ए है
जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जो 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन पारित हुआ था। तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वर्ष में पारित हुआ था, तो 1929 ईस्वी लाहौर में। अगला प्रश्न है, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई, तो बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई, तो ये हुआ था 1934 ईस्वी, जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। अगला 19 नंबर प्रश्न है, दोस्तों जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ लाइक करें। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना किए थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो 1925 में केवी हेड गेवार ने किए थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर।